हाय स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बताया था। तो इसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये हो चुका है। आज का हमारा वीडियो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इन दिस सेक्शन वी Shall study in this section we shall study the multiplication of algebraic expression. Multiplication of algebraic expression. We shall be using the following rules. The following rules of sign. तो इसमें देखेंगे कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इस चैप्टर में हम बीजगणितीय गुणा के बारे में पढ़ेंगे कि अचर राशियां और चर राशियां का आपस में कैसे गुणा किया जाता है उनके चिन्हों के साथ। तो इसका नियम है रूल फर्स्ट। द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स with like signs is positive and the product of two factors with unlike sign unlike signs is negative. The product of two factors with like signs is positive and the product of two factors with unlike signs is negative. जैसे like और unlike signs का मतलब positive और negative से है। तो पहले positive multiply positive equal positive, दूसरा पॉजिटिव मल्टीप्लाई निगेटिव इक्वल टू निगेटिव, तीसरा निगेटिव मल्टीप्लाई निगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव, चौथा निगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव इक्वल टू निगेटिव। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव और पॉजिटिव का पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव और निगेटिव का निगेटिव आएगा, निगेटिव और निगेटिव का पॉजिटिव आएगा और निगेटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई निगेटिव आएगा।
तो यह हमारा रूल नंबर फर्स्ट कि धनात्मक धन का गुणा धन में करें तो धन होगा, और धन का गुणा ऋण में करें तो ऋण होगा, ऋण का गुणा ऋण में करें तो धन होगा, ऋण का गुणा धन में करें तो ऋण होगा। तो यह था रूल नंबर फर्स्ट। अब देखेंगे रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड है, इफ इफ ए इज एनी, ए इज एनी वेरिएबल एंड यम यम कामा यन आर पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, देन। अब यहाँ रूल नंबर दो में हम देखेंगे कि ए कोई वेरिएबल है और यम यन एक पॉजिटिव धनात्मक इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं, तब क्या होगा कि ए की घात यम गुणे ए की घात यन इक्वल ए की घात यम प्लस यन। तो यह हमारा रूल नंबर दो है, और पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं कि यदि आधार पद समान हो तो गुणा में घातें आपस में जुटती हैं। तो यहाँ आधार पद हमारा ए है और यहाँ भी ए है, ये दोनों सेम है तो घातों को आपस में जोड़ दिया जाता है, यही हमारा इसमें भी है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम अंकों में देखें तब ए की घात दो गुणे ए की घात सात बराबर ए की घात दो प्लस सात बराबर ए की घात नौ। तो यह हमारा रूल नंबर दो था। अब आगे एग्जाम्पल में देखेंगे कि कैसे होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल मल्टीप्लाई पहला है 2ab स्क्वायर c की घात 3 बाई 6a की घात 3 b स्क्वायर और c स्क्वायर, और दूसरा है 4x स्क्वायर y स्क्वायर z की घात 3 बाई माइनस 3x की घाते 3 वाई जेड स्क्वायर। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, पहला वाला 2ab स्क्वायर c की घाते 3 मल्टीप्लाई 6a की घाते 3 b स्क्वायर c स्क्वायर। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि वेरिएबल को एक तरफ लिखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 6 फिर मल्टीप्लाई, अब यहाँ a, और यहाँ पर देखेंगे कि a की घात 3 है, इसको इसके पास लिखेंगे a की घाते 3 गुणे b स्क्वायर मल्टीप्लाई b स्क्वायर, और यहाँ भी b स्क्वायर है तो b स्क्वायर लिखेंगे गुणे c की घाते 3 यहाँ पर है और यहाँ पर c स्क्वायर है तो c स्क्वायर लिखेंगे। तो यह रहा हमारा मल्टीप्लाई। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर उसी नियम से कि a की घात m गुणे a की घात n इक्वल टू a की घात m प्लस n, या a की घात 2 गुणे a की घात 7 इक्वल टू ए की घात 2 प्लस 7 बराबर ए की घात 9। तो इसी नियम से चाहे इस नियम से चाहे इस नियम से इसी नियम से इसे अमल करेंगे तो ए की घात 3 और
ए की घात यहाँ पर एक है, तो हो जाएगा ए की घात चार मल्टीप्लाई यहाँ भी उसी नियम से बी की घात चार मल्टीप्लाई सी की घात दो और तीन, तो सी की घात पाँच इक्वल टू, अब बीच से इसे हम हटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12, ए की घात 4, बी की घात 4 और सी की घात 5, यह हमारा आंसर है। तो इसी तरह होता है मल्टीप्लाई और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अब एग्जाम्पल नंबर, अब दूसरा वाला इसमें का देखेंगे, तो यह रहा पहला वाला, अब दूसरा वाला देखेंगे। दूसरा वाला है 4x² y² z³3 मल्टीप्लाई माइनस 3x³y z²। तो सबसे पहले उसी तरह लिखेंगे कि वेरिएबल को एक तरफ और नॉन वेरिएबल को एक जगह और वेरिएबल को एक जगह। तो 4 मल्टीप्लाई माइनस 3, यहाँ पर माइनस निगेटिव है, 3 जो है निगेटिव है, तो इसे निगेटिव के साथ ही लिखेंगे। फिर मल्टीप्लाई, फिर यहाँ से नॉन वेरिएबल को एक्स की घाते 2 और यहाँ पर एक्स की घाते 3। फिर मल्टीप्लाई वाई की घाते 2 और यहाँ पर वाई एक सिंगल है। फिर मल्टीप्लाई जेड की घाते 3 मल्टीप्लाई जेड की घाते 2। फिर यहाँ पर 4 थ्रीजा 12 और 12 निगेटिव आएगा क्योंकि 3 जो है निगेटिव है और इसके आगे पॉजिटिव छिपा हुआ है। तो पॉजिटिव और निगेटिव का जो उत्तर आएगा, पॉजिटिव मल्टीप्लाई निगेटिव इक्वल टू निगेटिव ही आएगा। तो यहाँ से हमने 12 को निगेटिव कर दिया और 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। मल्टीप्लाई एक्स की घाते 2 और एक्स की घाते 3, तो इसको आपस में जोड़ लेंगे उसी नियम से, तो एक्स की घाते 5 मल्टीप्लाई वाई की घाते 2 और वाई की घाते 1 है यहाँ पर, तो वाई की घाते 3 मल्टीप्लाई जेड की घाते यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2, तो जेड की घाते 5। फिर इक्वल टू, अब यह मल्टीप्लाई वाला निशान हटा देंगे या छिपा रहता है, तो माइनस 12 एक्स की घाते 5 वाई की घाते 3 और जेड की घाते 5, यह रहा हमारा आंसर। तो इसमें दो एग्जाम्पल हुए और जितने भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चाहे साइन निशान के साथ आए या ना आए, हम इसी तरह आपस में चिन्हों का आपस में गुणा करते हैं और वेरिएबल का वेरिएबल के साथ और नॉन वेरिएबल का नॉन वेरिएबल के साथ गुणा करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सिक्स ए स्क्वायर बी सी कामा 2ab एंड माइनस 2c। तो यहाँ पर देखेंगे कि हम तीन हैं, तो तीनों का आपस में गुणा होगा, तो सॉल्व करेंगे सेम उसी तरह 6a² bc एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 2a² b दूसरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई माइनस 2c। तो सबसे पहले वेरिएबल को लिखेंगे तो इक्वल 6 मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 है, मल्टीप्लाई यहाँ पर निगेटिव 2 है, तो निगेटिव 2 को लिखेंगे। फिर नॉन वेरिएबल को लिखेंगे a² मल्टीप्लाई यहाँ पर भी a² मल्टीप्लाई, अब a² इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे, अब b लिखेंगे b, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पर भी b, फिर मल्टीप्लाई, अब फिर इसमें c है तो c लिखेंगे, इसमें c नहीं है तो c नहीं लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई इसमें c है तो इसमें c लिखेंगे। तो हो जाएगा
सिक्स टू जा 12 और 12 टू जा 24 और निगेटिव है तो निगेटिव रहेगा मल्टीप्लाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बी और मल्टीप्लाई सी इक्वल माइनस 24 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर इसको घात को आपस में जोड़ देंगे तो ए की घात 4 या 4 मल्टीप्लाई बी की घात 1 और 1 2 हो जाएगी और यहाँ पर सी की घात भी 2 हो जाएगी। फिर मल्टीप्लाई 24 निगेटिव ए की घात 4 और बी की घात 2 और सी की घात 2, तो यह रहा हमारा आंसर। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी मल्टीप्लाई होंगे वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल का सेम इसी तरह होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे डिवीजन के साथ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।